नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशहर समाचार और मैं हूं आपके साथ विदिशा। चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार तथा माता महाकाली सेवा समिति द्वारा आयोजित माता महाकाली महोत्सव में दिनांक 1 अक्टूबर को महाकाली मंदिर में माता रानी के जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रात के 8 बजे हुई और ये देर रात 12 बजे तक चला। किशोर भाऊ जोरगेवार इन्होंने महाकाली की मूर्ति को चुनरी चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। बलराम डोडानी, अजय जायसवाल और श्री अन्य पदाधिकारी इस वक्त उनके साथ थे। इसके बाद प्रसिद्ध जागरण गायक अजीत मिनोचा और उनके सुपुत्र ईशांत मिनोचा ने जागरण की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने यह बताया कि हम माता के दरबार में क्यों आते हैं। फिर बलराम डोडानी ने सारे जागरणकार मंडली को माता रानी की चुनरी पहनाकर सम्मान किया। फिर कुछ समय बाद सांसद बाळू धानोरकर और विधायक प्रतिभादेवी धानोरकर और रामू तिवारी ने उपस्थिति देकर माता रानी का आशीर्वाद लिया। फिर उन्हें ईशांत मिनोचा ने अपनी पूरी टीम से मिलाया, जिसके बाद मिनोचा द्वारा शानदार कार्यक्रम प्रस्तुति किया गया। चंद्रपुर का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना नवरात्रि गरबा उत्सव जय भवानी दांडिया उत्सव का फाइनल मुकाबला आज दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को शाम 7 बजे से रामनगर स्थित अंडरग्राउंड पर खेला जाएगा। 9 दिन से शुरू इस नवरात्रि उत्सव में सैकड़ों की संख्या में गरबा खिलाड़ी और हजारों की संख्या में दर्शकगण इस कार्यक्रम का हिस्सा रोज बन रहे हैं। कल दिनांक 3 अक्टूबर को इस प्रतियोगिता का सेमीफाइनल खेला गया, जिसे देखकर हर दर्शक रोमांचित हो उठा। जय भवानी डांडिया उत्सव का सीधा प्रसारण पार्थशहर समाचार के फेसबुक पेज पर तथा सिटी केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 91 पर दिखाया जा रहा है। विजेताओं को टू व्हीलर, गोल्ड चेन, मोबाइल, साइकिल और रोक पुरस्कार जैसे लाखों के पुरस्कार दिए जाने वाले हैं। क्या कोई दूसरी म्यूजिक लगा है?